मिडिल ऑर्डर, शान भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, चाचू के साथ बैड लक हो गई, ये बेशर्मी जो है ये टॉप ऑर्डर में है, ये बाबर और रिजवान अपने लिए खेलते हैं, इनका कोई खेल ही नहीं है, इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। बेशर्मों ने 130 रन के जवाब में 3 ओवर में पाकिस्तान की हार की बुनियाद रख दी। ये तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार के आउट हुआ था, इंडिया आउट नहीं हुआ था, जिम्बाब्वे से हार के, अफगानिस्तान से हार के और चूचू की मलिया से। ये चूचू की मलिया है ये लोग, मैं बार बार आपसे कहता था ये इस काबिल नहीं है, उस वक्त आप मुझे कहते थे जी सारे, ओ जी आप तो हमेशा ही मौसम तो हमेशा ही खिलाफ बोलता है, नजर आया मैं खिलाफ बोलता हूँ, और भाई मेरे ये बाल सफेद हो गए फील्ड में, मैं एक एक बंदे को जानता हूँ, ये सिर्फ माल पानी एक्सप्रेस है, बेशरम है, बेहया है, एक एक साल में इनको जो ये तनख्वाहें और जो ये टीएडीए लेते हैं, वो टीएडीए तनख्वाहें हमारे यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर जो सारी जिंदगी सीएसएस के एग्जाम पास करके 1 लाख नहीं लेता, ये 40-40 लाख रुपए लेते हैं, किस चीज के, वो फैसल हसनैन किसने लगाया आपने 25 लाख रुपए पे, वो क्या रमीज आजाद आए और आके कौन से माफी मांगे, बेहया आदमी, क्या मेरे से गलती हुई है, उसे लाया आज बाहर, उसे क्या निकल गया बाहर, और क्या मैंने कौन सा माफी मांगूंगा, बस दूसरों पर नजर, लाइव में गाली गुली निकाल दो। और इस टीम के साथ आप सेमीफाइनल में जाने के ख्वाब देख रहे हो, ये टीम आपकी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं चल रही, इससे आप सोच रहे हो आप सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाओगे इसके साथ, आसिफ अली को दिया, हैदर अली नहीं चला, अब अगले मैच में हारते हैं तुम्हारे आईसीसी रैंक खिलाड़ी, आओ आओ आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ बताओ इसकी ग्रेटनेस, मैं तो गालियां दे दूंगा बता रहा हूं आज, अबे जज्बात से खेलते सौदा करते ये नेशन का बेगैरत के बच्चे, ये तो उसने नवाज को फुल टॉस दे दी, छक्का खा लिया खुद से, अबे क्या इतना बेगैरत समझा हुआ, तुम क्या समझ रहे थे क्यों बैक कर रहे थे, ताकि ये जितना बेगैरतों का टोला है ना वही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहीं डूब कर अपने आप को छुपा ले, अबे लानत नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर, जे तुम इनसे एक तो क्लाइमेक्स लेकर आ गए, फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी डाली तुमने, फिर इसके अंदर हेल लेने में भी तुम सबसे आगे रहे, ये तुम्हारे फौजी जितने तुम लेके निकले थे यहां से, लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी है तुम्हारी, कि तुमने पाकिस्तान को उन बच्चों के साथ उन बच्चों के टैलेंट के ऊपर शबो खून मार के, अबे ये घंटे के तैयार किए थे तुमने, लानत दे दी इस पे तुमने, ऐसी की तैसी कर दी जिम्बाब्वे ने तुम्हारी, क्या लेकर आए थे तुम यहां पर, ये जिल्लत उठाने के लिए लेकर आए थे, ये तुमने 25 करोड़ लोगों का सौदा किया, लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, ऐसी की तैसी है तुम लोगों की, इस क्रिकेट की चीज के ऊपर आईसीसी ने तुम्हें चले के झाड़ पे चढ़ाया, बता डगआउट से बेशर्मी के तौर पे निकल के तुम दोनों, तुम और रिजवान भाग के निकल गए, वो कौन है जो बहनोई बनाते हैं, लानत है तुम्हारी शक्लों के ऊपर, वो लगा हुआ है मेरा 4-4 लेग पे लपड़ने वाला है, ये एशियन सॉइल नहीं है कि यहाँ घुटने के नीचे बॉल आएगी, बॉल उठना शुरू हुई इनकी टांगे उठ गई, अबे ये कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा, दूसरी गेम के अंदर ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जिम्बाब्वे से हार गए, अगेंस्ट जिम्बाब्वे हम बाहर हो रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, पूछो ना मीर राजा से सवाल, किस कौन सी टीम बना रहा था, कौन से 4 साल की ये टीम बना रहा था, बाबर आजम कर क्या रहा था, मोहम्मद रिजवान कर क्या रहा था, कहने को तो ये जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट बैटर है ना, रैंकिंग देखनी थी ना, वर्ल्ड की जिसको कहते हैं पुअर बॉलिंग के हाथों ये लोग हार गए हैं, और फिर आगे से कहते हैं नहीं मतलब कि मुकाबला क्या था, सिंपल हमने जीतना था ये मैच हमने वन साइडेड जीतना था, किस बुरी तरह से हमें हराया है आपने, बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, और इस हार के साथ के जो 1 रन से हार आई है, हार हार है भाई, 1 रन से हो या 50 रन से हो, तो ये मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम यू कैन से इन अ वे के दे आर आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, और इंडिया पहली मैच जीत गया पाकिस्तान से और दूसरा मैच भी जीत गया, इंडिया और साउथ अफ्रीका कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम्स इन एडवांस, ये आपसे पहले ही अर्ज किया था कि पाकिस्तान इंडिया की जो मैच होता है उसमें से जो टीम हार जाती है थोड़ा उसको जरा उस हार का प्रेशर उतार, वो जो बहनोई बनाते हैं क्रिकेटर्स को वो आए ना अब क्यों नहीं आ रहे
है, क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? कहां छुप गए? वो बेगैरत घंटे के फैन जो छुप गए होंगे, अपनी मम्मी के दुपट्टे मुंह पे लपेट के निकल गए होंगे चप्पल में। तुम्हें बताया कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में जितने मौके मिले, अगर पाकिस्तान में किसी गरीब घर के बच्चे को मिलते तो वो इस बेशर्मी के लोगों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता। ये रिजवान, और ये बता दूं, ये नवाज का छक्का जो था, ये बॉलर का छक्का था। नगारवा ने जब जब पिच पर बॉल मारा है, क्रिकेट भी सीख लो आज मुझसे, जब जब विकेट पे टिप्पा दिया है, इनको समझ ही नहीं आई है। वो डेथ ओवर में ये सोच में मालूम है, बेटा मैं कोई किसी का लिफाफी नहीं हूं, मुझे पता है कि किस टके का प्लेयर बाबर आजम है और कितने टके का प्लेयर ये ऑफिस। भाई आपका रिजवान नंबर वन बैट्समैन, जुटी में मेरी नंबर वन बैट्समैन, बाबर आपका नंबर थ्री, ये है यार। ओ भाई छोड़ दो यार, तुम दो ही तुम्हारे वाली शाहीन अफरीदी, इतने बड़े बड़े बॉलर हारिस रहो भाई। इसे आज अर्ली विकेट नहीं ली गई, आपने नहीं देखा, इनसे अर्ली विकेट नहीं ली गई, चार इन्होंने कैच छोड़े हैं, मैंगो खेलना है वर्ल्ड कप इन्होंने। अच्छा बाबे के हाथों हार के हम बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से, लो फिर जिम्बाब्वे के हाथों हार के हम जिसको कहते हैं टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं, ये हमारा हाल था। इसकी हमने वर्ल्ड कप की तैयारियां की थी, हम देख रहे थे सपने फाइनल खेलने के, सेमीफाइनल खेलने के, ये देख के हमने करना था सब कुछ। किसी मतलब कि अपने तो घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अपने घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। इतनी बुरी यार कि मैं, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के हाथों हार के बाहर हो चुका हुआ है। आठ गेंदों में इनसे 28 डिफेंड नहीं होते, तीन में तीन नहीं हो रहे, तीन में तीन, और तीन में तीन तक नौबत क्यों पहुंची, क्यों पहुंची तीन पे तीन तक नौबत? ये आपके जो रिजवान और बाबर और बाकी ये सारे, यार तुम लोगों को थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही कि वो लोग चार ओवरों में 42 करते हैं, तुम पावर प्ले में 24 रन करते हो, यार नौबत कहां तक पहुंची? फेवर ये घटिया क्रिकेट खेलते हैं। मैं आपको 2.5 साल पहले कहा था, आज ये जो शो कार्ड बड़े बड़े चैंपियन निकले हैं, जो अब मैं कुछ लफ्ज साथ कह जाऊंगा, आज हमें यह सिखाएंगे कि जनाब बाबर आप कप्तानी का, मैं 2.5 साल पहले आपसे कहा था बाबर कप्तानी का मटेरियल नहीं है, नहीं, ये टीम इस काबिल। अरे यार ये जो लोग कहते हैं विराट कोहली, जो कह रहे हैं विराट कोहली को तुम ले लो, तुम ले लो, आज दूसरे दिन विराट कोहली ने आपको बताया, पहले पाकिस्तान के खिलाफ बताया कि क्रिकेट क्या होती है, कैसे खेलते हैं, छक्के चौके नहीं होता मैच, छक्के चौके। आज देख ले हारिस राव चार ओवर एक मेडिक 12 रन और एक विकेट, कैच छूट गया, दफा करे, किसने छक्के मारे, किसको मारे, 28 रन 8 बॉलों में रहते थे, ये मत भूले 28 रन, ये है विराट, उसका हाथ चूमे, उसके पांव दबाए, सारी दुनिया क्रिकेट को उसने दिखाया है कि मैं हूं मिस्टर फिनिशर, मैं हूं मिस्टर चेजर, ये सो कॉल्ड किंग। अबे किंग एक ही है दुनिया एक क्रिकेट का, एक ही बादशाह, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह क्रिकेट का विराट कोहली है। आप लोग लकी हैं, आपके पास है, ये हमारा बाबा ले 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 ले, आप करा ले इससे, ये ना कप्तानी ना बैटिंग ना बॉलिंग। जी हमने कोशिश बड़ी की, बॉयज प्लेड वेल, बस स्कोर थोड़े से ज्यादा, तो कितने 25 स्कोर दे देते, कितने 50 रन दे देते तुम्हें, उससे कर लेते बॉयज प्लेड वेल। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चेज होना चाहिए था, फिर वही हुआ कि जो होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट है, यू नेवर नो ये क्या करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि काफी लोग आई नो के मजाक ही उड़ा रहे थे, जनाब ये सबसे टफ मैच आ रहा है और राइवलरी एंड ऑल दैट, वो सारी बातें, लेकिन देखें बात बिल्कुल हकीकत साबित हुई है। आप एक रन से हार के अपने मुंह पे कालक मलवा के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हो आप लोग, और ये आप हमारी टीम है, ये हमारी शाहकार टीम है कि जो जिम्बाब्वे जैसी टीम से, जिनको इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बना लिया, और उनसे जनाब ये 131 रन नहीं कर सके, 131 रन इनसे नहीं हुए, और ये इनकी सूरत हाल है। और ये बने हैं जनाब, हम सेमीफाइनल खेलेंगे, इंडिया को हराएंगे, साउथ अफ्रीका को हराएंगे, तीन तार रखो कि अफगानिस्तान के मैच में विराट कोहली की इनिंग्स में कैच कितने छूट गए थे, जो काम है करने वाला वो मत करना अब काम, विराट कोहली टीम का बेहतर कर लो, विराट कोहली ने डंडा दे दिया सारों को, दिखाया उसने कि मैं हूं क्रिकेट का असल बाप, पता लगा बाप क्या होता है क्रिकेट में, और खेलते हैं क्रिकेट आके बातें करते हैं यहाँ पे। मोहसिन जी आप तो रमीज राजा दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नजर आया आपको, दुनिया क्रिकेट ये हमारी असल क्रिकेट, दफन कर दी इन्होंने हमारी क्रिकेट पर्थ में, ये क्रिकेट है इन लोगों की, 10 ओवरों में इनसे 115
नहीं डिफेंड होते किधर है दो टके के पेट्रियोटिक ढंकन के साले झूठ बोल बोल के ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की इन धकेले बल्लेबाजों को तुम लोग अपने सर पे बिठा रहे थे अबे मैं तो गड्ढा खोद के गाड़ दूं इनको पकड़ के ऐसी की तैसी इनकी ये है 25 करोड़ ये है 25 करोड़ जिसकी आवाज निकलती है इन लोगों को बैक करोगे जो दुनिया में कहीं भी तुम्हारे ऊपर पेशाब करवा दे ये इनकी शक्लें देखो बेगैरतों की डगआउट से निकल के छुप गए अब ड्रामेबाजियां करेंगे बैठ के आज बोलेंगे क्या आहे और ये रमीज राजा साहब जो बहुत टॉल क्लेम्स करते थे कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे और आपकी टीम में वो रूह फोंक देंगे कि जनाब आप जो है इंग्लैंड की तर्ज की व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे ऐसे खेलता है इंग्लैंड ऐसे खेलते फेयरलेस क्रिकेट छोड़ दिया एंड पे वो नंबर 8 वाले पे पे अपनी सारे 6 ओवरों में 24 रन करते हो पावर प्ले में ये तरीका कार है बैटिंग का उनके जो प्लेयर हैं वो कितने बड़े नाम हैं रैंकिंग में क्या रैंकिंग है उनकी बाबर आजम तीसरे चौथे नंबर का रैंकिंग का जो रिजवान पहले नंबर की रैंकिंग का है एज उजलक के छक्का हो रहा है यार उनके प्लेयर्स की क्या रैंकिंग है जो 4 ओवरों में 42 रन डाल देते हैं और तुम लोग अपनी रैंकिंग का अचार डाल के खा जाओ अपना रैंकिंग को कि तुम लोगों से 6 ओवरों में 24 रन डालते हैं और पावर प्ले में तुमने 6 ओवरों में 40-45-50 डाला होता जरा प्रेशर हटता और अब 6 ओवर गुजर जाते हैं 20 रन 22 रन 24 रन